हिमाचल प्रदेश में पालमपुर के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिक संस्थान के वैज्ञानिक लंबे समय से प्लास्टिक का विकल्प तलाशने पर अनुसंधान कर रहे थे। संस्थान के वैज्ञानिकों ने उस समय बड़ी कामयाबी हासिल की जब उन्हें हिमाचल की पहाड़ियों में प्लास्टिक का विकल्प मिला। वैज्ञानिकों ने माइक्रोब बैक्टीरिया की पहचान की है जो अपने शरीर के अंदर ही 80% प्लास्टिक बनाता है। इस प्लास्टिक की खास बात यह है कि एक महीने में स्वतः ही नष्ट हो जाता है और इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। माइक्रोब से प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनता है और इसका प्रयोग दूध, ब्रेड और चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों के पैकेट के रूप में किया जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉ. संजय कुमार और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. धर्म सिंह ने बताया कि गंदे पानी के संपर्क में आने के बाद ये प्लास्टिक अपने आप गल जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्लास्टिक को जल्द बाजार में उतारने की कोशिश की जा रही है। प्लास्टिक हालांकि हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है, लेकिन प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा है पूरे वातावरण में, और ये खाली हिंदुस्तान की समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व की समस्या है। इसकी मुख्य वजह यह है कि प्लास्टिक ये वातावरण में जाके डिग्रेड नहीं होता है, अतः इसके लिए जरूरत है कि हमारे पास कोई बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक हो। जब हमारे वैज्ञानिक हिमाचल में खोज कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि एक माइक्रोब है यहाँ पे हिमाचल में, इन माइक्रोब के अंदर प्लास्टिक स्वतः ही पैदा होती है, और ये जो प्लास्टिक है ये कम से कम 70-80% माइक्रोब के ड्राइवेट के पैदा होती है। तो हमने वो सारे जितने भी माइक्रोब जो बायोप्लास्टिक पैदा कर सकते थे हमने उसका एक कंसोर्शियम बनाया, और इस समय हमने पाया कि इसकी एक बड़ी विशिष्ट गुणवत्ता है इन प्लास्टिक की। अगर इस बायोप्लास्टिक के अंदर आप कोई गीला पदार्थ रखें तो ये जो बायोप्लास्टिक का थैला है ये कभी खराब नहीं होगा, लेकिन अगर उसके अंदर दूषित पानी या दूषित दूध या कुछ दूषित ऐसी चीजें हों तो वो थैला खराब होना शुरू हो जाएगा। तब हमने देखा कि इस प्लास्टिक को अगर आप ऐसे फेंक दें नदी में, नाले में, तो एक महीने के बाद जो प्लास्टिक ये स्वतः ही गलनी शुरू हो जाती है। ये हम जो CSIR IHPT ने जो हम लोगों ने यहाँ पे बायोप्लास्टिक तैयार किया हुआ, ये एक हिमालयन बैक्टीरिया से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है, और इसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमने बायोप्रोसेस डेवलप किया हुआ जहाँ पे बायोप्लास्टिक प्लस जो एक वायरसिन पिगमेंट होता है ये सेम बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देखते हैं आजकल प्लास्टिक की हर जगह पे इतना ज़्यादा उपयोग हो रहा है, वो जाने अनजाने जो है हमारे खाने के स्रोत तक पहुंच रहा है, इससे बहुत सारी बीमारियां और पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे निजात पाने के लिए एक ही सलूशन हो सकता है कि बायोप्लास्टिक। तो मार्केट में बहुत सारे के बायोप्लास्टिक जो डिफरेंट सोर्सेज से तैयार किए जाते हैं, कुछ रिन्यूएबल सोर्स से किए जाते हैं, कुछ जैव पदार्थों से किया जाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से जो बायोप्लास्टिक है ये आप स्वतः ही नष्ट होने वाला। वैज्ञानिकों ने हिमालय की 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इस बैक्टीरिया की खोज की है। देश को जहां प्लास्टिक मुक्त बनाने की बात हो रही है तो ऐसे में संस्थान के ये प्रयास इस दिशा में अवश्य ही कारगर साबित होंगे। पालमपुर से DD News के लिए संजीव राणा की रिपोर्ट।